सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप गाइज आप लोग सब बढ़िया होंगे और आपके नैनीताल वाला भाई भी एकदम मस्त है। तो गाइज मैं सर्विष्ट उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से फिर से आपके लिए एक नया ब्लॉग लेकर के आ गया हूँ। तो चलिए गाइज आज के इस ब्लॉग को भी शुरू कर लेते हैं। तो आइए आपसे कुछ बात करते हैं, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो गाइज आज के इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले आज के मौसम की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि देख रहे गाइज आप, मतलब मौसम कितना मस्त हो रखा है, एकदम बिल्कुल चकाचक, बिल्कुल पूरा नीला अंबर दिख रहा है बिल्कुल आसमान में। बस कहीं कहीं पर हल्के फुल्के बादल दिख रहे हैं, बाकी सूर्यदेव भी एकदम चकाचक खिले हुए हैं। दो तीन दिन से अच्छी खासी धूप आ रही है गाइज, तो आजकल बारिश होने रही है, एकदम मस्त मौसम हो रहा है। मम्मी अभी यहाँ पे क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही हूँ, खेत में जाते हूँ, अभी घास काट के आई हूँ। अबे जाती हूँ कुड़ील में, मजा आई भाई, बिस्कुट खा ले। मजा आई ने काटा यार, तब माथे का काटा। तो अभी गैस मम्मी तो फिलहाल जा रही है, अभी घास बना के लाई ऊपर खेत में से, और अभी जा रही है फिलहाल कुड़ील में। तो वहाँ पे आजकल मटर हो रही है, गोवनी घास वगैरह उठानी हो रही है। तो चलिए अभी फिलहाल पहले मैं सुबह का नाश्ता कर लेता हूँ बढ़िया करके, फिर उसके बाद करते हैं घर का काम, खाना वाना बनाते हैं। और बाकी अभी फिलहाल देखते हैं गैस कि अम्मा क्या बना रही है अपनी रसोई में। आज क्या बन रहा है भाई? आज क्या बन रहा है, क्या बनाता हूँ, मूली और आलू की थेचुआ बना रही हूँ। अरे गजब, आलू मूली की थेचुआ। तो देखिए गाइस यहाँ पे अम्मा ने आलू मूली थेच रखा है आज, तो आज बढ़िया करके पहाड़ी आलू मूली का थेचवा बनेगा। बाकी अम्मा बनाती है कढ़ाई में, ये कढ़ाई में सब्जी का स्वाद अलग है, आयरन की भजियाई में रहती है, भजिया मुर्गी तो वो भजियाई में खनीर में। और ये देखिए बिल्कुल चूल्हे में बना रही है अम्मा, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल टकाटक आग जली है और धुआं, ये देखिए बिल्कुल कुछ के धुआं लाइक भी मजबूत है नियर में। कोई एक तो क्या खनीर में उनको तो कसके लगा लिए तो धुआं रही है लड़नीर भाई, बिना बीवाई चेल हिन के लड़नीर भाई उनको तो कसके जयकुट जली कसके लगा ली धुआं, अब कहीं लागने रहे धुआं, अब बिल्कुल समाज सब मकान होने रहे। वैसे एक बात तो है गैज, मतलब जो मार्केट से पैकेटों में या डिब्बों में मसाले आते हैं, उन मसालों के बजाय जो पहाड़ में हमारे यहाँ पे ऐसे सिलबट्टे में पीसा जाता है ना, तो वो वाले मसाले ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। क्योंकि बाहर से जो डिब्बों में आते हैं वो तो पाउडर वाला होता है, बट जो सिलबट्टे में पीसते हैं यहाँ पे हल्दी मिर्च मसाले वाला, अभी अम्मा ने बना रखा है यहाँ पे, देखिए मसाले बना रखे हुए, तो ये मसाले मतलब स्वादिष्ट होते हैं, इनका स्वाद भी अलग ही होता है। तो गैज पहाड़ में ये भी कल्चर है कि मतलब जो कढ़ाई होती है, कढ़ाई में ज़्यादातर बनाई जाती है दाल या सब्जी वगैरह, क्योंकि इनमें स्वादिष्ट भी होता है कि उससे ऐसा होता है आयरन की बॉडी में आयरन की कमी भी नहीं होती है। और बाकी इस तरीके से सिलबट्टे में यहाँ पे हल्दी मिर्च मसाले वगैरह पीस करके बढ़िया बिल्कुल मसाले बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। ये जो ऑर्गेनिक मतलब मिर्ची वगैरह, धनिया वगैरह, हल्दी वगैरह होती है ना पहाड़ में, तो इनके मसालों का स्वाद अलग ही होता है। ये सिलबट्टे में जो पत्थर होता है उसमें सिलबट्टे में मतलब पीसा जाता है। देखिए यहाँ पे अभी अम्मा ने मिर्ची सुखाने के लिए भी रखी हुई है, बाहर से देखिए दो प्रकार की मिर्ची दिख रही होंगी आपको, एक वहाँ पे रखी है, यहाँ पे रखी है। ये वाली तो सूख गई है गाइस, जिसको काफ़ी समय हो गया है, और वो वाली थोड़ा कच्ची है, तो इसलिए ये अलग अलग रखी है ताकि इनमें पता चल सके कि ज़्यादा कौन सी सूख गई है और कम कौन सी सूखी हुई है। तो बाकी फिलहाल गाइस मैंने भी मतलब भात वगैरह तो बना दिया, चावल मैंने बना करके रेडी करती हैं, सब्जी है, दाल है, वो अभी मम्मी आकर के ही बनाएगी, खेत में से आएगी हो उसके बाद बनाएगी, क्योंकि आज मम्मी बनाने वाली है, लहसुन की सब्जी बना रही है आज मम्मी, तो जो कि मेरे से मतलब नहीं बनता है, मेरे को पता भी नहीं है उसकी रेसिपी किस तरीके से बनता है करके, मैं तो मतलब जला वला ही ज़्यादा दूंगा उसको, मम्मी आएगी वही खुद बनाएगी। तो परसों भी दो दिन बना रखा था, काफ़ी टेस्टी और काफ़ी स्वादिष्ट हो रखा था, मेरे से तो होता भी नहीं वाला, दाल वाल होती मैं बना देता, बट जो बेसन की सब्जी है उसको मम्मी बनाई जाएगी। अभी अम्मा ने तो खाना बना भी दिया बढ़िया, ये देखिए आलू मूली का थेचवा सब बना दी थी अम्मा, और अभी चाची लोग भी आ गए हैं खेत में से, आज मतलब दुई जान दोस्त भाई कद की खानी। अरे यार चाची आई हो खानी, तो ये गौर है गाय जी, छोटी वाली चाची भी ये गौर है खाने वाली दगड़ियों, आज मतलब यहाँ बाल भीतर मतलब तीनों सास बाहर से खानी, छोटी बहू वो सासू ने वहाँ पे खाना वाना डाल दिया, ये बड़ी बहू, तो सब लोगों का अभी फिलहाल खाना चल रहा है यहाँ पे बढ़िया करके। अब तो ठुली बहू कच्चे कहती है वो खाने में बनना ना बनना है आगे, वो आलू थे तो सबका फेवरेट कैसे कैसे त्यौहार से ने फेवरेट कह दी, मेरा फेवरेट से कह दी क्या फेवरेट से आलू थे जो
तो गाइस अभी बढ़िया करके खाना वाना बन, और मम्मी भी आ गई अभी खेत में से, और बाकी अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पर से ककड़ी तोड़ने के लिए। तो झील में से मैं ककड़ी तोड़ करके लाऊंगा बढ़िया, क्योंकि गाइस खाना खाते वक्त मतलब सलाद तो मेरे को तो चाहिए बस, मम्मी बोलते हैं ककड़ी तोड़ ला करके। तो अभी जाते हैं ऊपर और चलिए तोड़ते हैं कहीं पर से ढूंढ करके बढ़िया हरी हरी सी ककड़ी। आजकल बढ़िया बिल्कुल बढ़िया सीजन चल रहा है, तो गाइस आजकल सीजन ही इसी फल का है, तो बढ़िया बिल्कुल हो ही रही है, तो बढ़िया डेली बिल्कुल खाने के साथ में खा लेते हैं। अभी फ़िलहाल हो तो रखिए काफ़ी, दो यहाँ पे हैं बाकी ऊपर है और यहाँ पे हैं, फ़िलहाल तो थोड़ा छोटी हैं, मैं तोड़ के ले जाता हूँ इसको, तो इस वाली को तोड़ते हैं। ये गाइस ऐसे तोड़नी पड़ती है घुमा घुमा के, क्योंकि इससे ये देखिए इससे बढ़िया तरीके से टूट जाती ना ये घुमा के तोड़ने में, मस्त तोड़ के ला गया मैं बड़ी बड़ी लकड़ी। अभी पापा तो बढ़िया बिल्कुल अपने मोबाइल में पिक्चर विक्चर देखने में लगे हुए हैं, मस्त चश्मा वश्मा पहनेंगे। ले भाई ककड़ी, तो बाकी अभी फिलहाल गया मैं तो खाना लेकर के आ गया हूँ अपनी जगह पे। तो बढ़िया करके देखिए आज खाने में बनाया मस्त करके, ये बेसन की सब्जी बनी है तो बढ़िया। ये मैंने बोला था कि मेरे से उतनी मम्मी बनाएगी, तो मम्मी ने आकर के बनाई तो बढ़िया, और सलाद हो गई साथ में, चावल रोटी हो गई। तो चलिए बढ़िया करके खाना वाना खा लेते हैं, बाकी मम्मी पापा, तो मम्मी रोटी बना रही है अभी, पापा खा रहे हैं अंदर बढ़िया। तो चलिए पहले खाना वाना वगैरह खा लेते हैं। तो गाइस अपना तो मस्त बिल्कुल खाना पीना हो गया भाई, और बाकी पापा ने भी खा लिया और अभी मम्मी ने भी, तो इल्ला फुल पावर बिल्कुल फुल पावर खा लिया पेट डट करके, ओके एकदम टाइट हो गया बिल्कुल पेट खा करके। तो गाइस बाकी मैंने अभी करने अपने जूते वॉश, तो काफ़ी समय से थोड़ा सा गंदे जैसे होते थे, या तो मतलब बारिश में थोड़ा सा गंदे हो गए थे, तो अभी फ़िलहाल अपने जूतों को करते हैं वॉश। पूजा भी स्कूल से आ गई है, अभी चल रहा है इसका काम, कुछ नहीं बड़ा है। अरे क्यों काम कराया, पढ़ाया नहीं। काम किस चीज़ में? पॉलिटिकल में। हाँ और हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में, हिंदी में, इंग्लिश में। ये किस चीज़ का काम है? पॉलिटिकल। अच्छा राजनीति शास्त्र काम करती, बढ़िया, वो भी राजनीति शास्त्र में, जो कि स्कूल टाइम का मेरा सबसे बेस्ट मतलब सब्जेक्ट हुआ करता था। तो मेरे जो सोच थे गाइज वो हो रखे थे इंडिपेंडेंस डे के दिन गंदे, तो उस दिन जब मतलब थोड़ा गंदे हो रखे थे बारिश में, तो उस दिन मैं मतलब साफ़ करने की सोच रहा था, धो दूंगा करके इनको, बट फिर भी मतलब धो नहीं पाया, याद नहीं रही। और उसके बाद फिर जब कृष्ण जन्माष्टमी हुई थी तब गया था मैं पोखराज, तो तब फिर थोड़ा सा तब गंदे हुए थे बारिश में, और परसों फिर मैं भटेली गया था तब थोड़ा सा तब गंदे गिरे, जब पूरे मतलब ज़्यादा मतलब गंदे लग रहे थे तब जा करके मतलब मैंने धोने के लिए अभी धोए हैं वो। और पापा भी आ गए हैं नीचे मजाली से घास लेके। तो देखिए गाइज अभी जो वाला टैंक है, इस वाले टैंक में जो पुराना गंदा पानी था वो निकाल करके अभी साफ वाला पानी भर रहे हैं। इसमें देखा गया है आपने कि मतलब पूरा ख़त्म हो गया था पानी, अभी बढ़िया करके इसमें लगा रखा है तो सही हो जाता है, ये वाला भी भर जाता है बढ़िया करके। तो बाकी क्या है, शाम होने लग गई, तो अभी फ़िलहाल मैं इसी शाम के साथ में आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गाइस मैं इस पर विश्व मिलता हूँ बाकी आपको फिर से अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।